नमस्कार, मैं हूँ लेखा तोरसकर और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी मटन गोश्त करी। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में होममेड घी गरम करने रख दिया है। इसके बाद मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, तेज पत्ता, चक्री फूल, इलायची, काली मिरी, लौंग, जावित्री और दालचीनी। ये सब डाल के मैं थोड़ा भून रही हूँ। अब ये सारे होल स्पाइसेस की जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी, मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। इसके बाद डाल रही हूँ अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसे थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज। इसे थोड़ा सा सॉफ्ट और पिंक होने देते हैं। अब ये प्याज पिंक और सॉफ्ट हो गया है। इसमें से मैं आधा प्याज निकालूंगी और इसे मिक्सर में डाल के थोड़ा पानी डाल के बारीक पीस लूंगी। ये प्याज की पेस्ट बना ली है मैंने, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। हमने आधा प्याज लिया था भुना हुआ और उसमें अराउंड 2 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है मिक्सर में। ये मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटन। ये मटन मैंने प्रेशर कुक करा हुआ है 3 सीटियां लगाकर। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। ये घर पे बना हुआ गाढ़ा दही है, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं है, मीडियम खट्टा है। वापस एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं ये मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनूंगी जब तक दही का कच्चापन निकल नहीं जाता है, वरना वो करी में स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। गैस स्लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे ही रखिए। अब ये दही का कच्चापन पूरी तरीके से निकल गया है और इसने मटन पीसेस को अच्छे से कोट भी कर लिया है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ मटन स्टॉक। अब मैं फ्लेम थोड़ा हाई करूंगी और उसे एक बॉईल आने दूंगी। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ ताकि बॉईल जल्दी से आ जाए। चलिए, करी को अच्छा खासा उबाल आया हुआ दिख रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। इसमें डाल रही हूँ नमक। जब हमने मटन को प्रेशर कुक किया था, इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था, तो अब स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसे मिक्स कर रही हूँ। फिर डाल रही हूँ धना जीरा पाउडर। अब मैं वापस ढक्कन रख के 2 मिनट इसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ।
2-3 मिनट ढक्कन रखने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा घी ताकि करी को अच्छे से ग्लेज आ जाए। अब मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ, 2 मिनट वापस ढक्कन रखूंगी। इसके बाद कवर निकाल के थोड़ा सा मिक्स करूंगी और हमारी करी सर्विंग के लिए रेडी है। ये देखिए, लाजवाब राजस्थानी मटन गोश्त करी सर्विंग के लिए रेडी है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है और अब मैं इसे सर्व कर दूंगी। आपको रेसिपी कैसे लगी है मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं जल्दी ही नई रेसिपी लेके। धन्यवाद।